हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में, या फिर इसको इंजन आरपीएम सेंसर भी कहा जाता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है, ये क्रैंकशाफ्ट के एंड में ये फ्लाईव्हील के पास लगा हुआ होता है। और इस जो ये जो सेंसर है, इसके साथ लगा होता है एक ट्रिगर व्हील। तो ये ट्रिगर व्हील कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर एक मिसिंग टूथ होता है, इसके बारे में हम अभी फर्दर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर वर्क करता है। जैसे ही यहाँ से टूथ पास होते हैं, इसमें इस कॉइल में एक एसी वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो इसमें आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये जो नंबर वन है, ये है एक परमानेंट मैग्नेट। सेकंड इसकी हाउसिंग है सेंसर की, यहाँ पे ये स्क्रू से इंजन ब्लॉक में लगा होता है। तो ये थर्ड जो है इंजन ब्लॉक है, और यहाँ पे फोर्थ पोल पिन है, और जो फिफ्थ है ये है सोलेनॉइड वाइंडिंग, ये जो ब्लू डॉट से दिख रहा है। और सिक्स्थ टूथ के बीच में और सेंसर के बीच में गैप है। तो ये जो है ये फिक्स गैप होता है, और अगर ये गैप जो है ये ज़्यादा या कम होगा तो जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज का जो ये वेव है, ये वैसा जनरेट नहीं होगा जैसा कि ईसीयू में प्रोग्राम्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो है एक फॉल्ट की तरह से देखा जाएगा। देन ये जो सेवन्थ है, यहाँ पे मिसिंग टूथ है। तो हमने देखा था कि जो ट्रिगर व्हील में जो टूथ बने हुए हैं, उसमें एक या दो टूथ जो है वो मिसिंग होता है। तो ये मिसिंग टूथ का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि इससे जो है ईसीयू को पता चल जाता है कि जो किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में पिस्टन की पोजीशन क्या है अभी। तो उसके लिए ये जो है रेफरेंस यूज़ किया जाता है मिसिंग टूथ का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास 36 टूथ है, तो वहाँ पे जो है लास्ट हमें, अगर हमने एक टूथ को हटाया है, एक को रेफरेंस की तरह से यूज़ किया है, तो जो 36 टूथ है उसको हम हटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ टूथ जो होंगे वो 35 होंगे, और 36th के लिए जो स्पेस है वो खाली रहेगा। तो जब भी ये खाली स्पेस डिटेक्ट होगा, इसका मतलब कि किसी सिलेंडर में, किसी एक सिलेंडर में जो पिस्टन की पोजीशन है वो या TDC पे है या BDC पे है, डिपेंड करता है कैसे उसको प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ पे जो है आप दो टूथ मिसिंग देख सकते हैं, तो दो भी मिसिंग रखा जाता है। तो जैसे ही अब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, और क्रैंकशाफ्ट के साथ ये ट्रिगर व्हील भी घूमता है, और ये जो टूथ है, जैसे जैसे इस सेंसर के पास से, इस सेंसर के फ्रंट से पास होता है, वैसे ही यहाँ पे जो है एक एसी वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो ये इस तरह का साइन वेव जो है जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ये जब सेवन्थ पोजीशन, ये जो खाली पोजीशन है, ये सेंसर के फ्रंट से जब पास होगी, तो एक जो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये खाली स्पेस का फ्लक्चुएशन है। तो इसको डिटेक्ट करके ईसीयू को पता चल जाता है कि जो इंजन में जो कुछ एक पर्टिकुलर पेयर है सिलेंडर्स का, उसमें पिस्टन की पोजीशन क्या है। फर्दर इस डाटा को यूज़ किया जाता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के इनपुट के साथ, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो किसी सिलेंडर में अब जो स्ट्रोक होने वाला है या जो होगा वो कौन सा है, या वो कंप्रेशन स्ट्रोक है या फायरिंग स्ट्रोक है। वो हमें कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के दोनों के इनपुट को मिला के पता चलता है। तो अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? जैसा कि इसको इंजन आरपीएम सेंसर भी कहा जाता है, तो इससे हमें इंजन के आरपीएम का पता चलता है। दूसरा, इसका इग्निशन सिस्टम में बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, और इससे जो है
पीसीएम को, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल को, ये पता चलता है कि जो मिस फायरिंग तो नहीं हो रही है कहीं, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे, यहाँ पे जो दो टूथ के बीच में जो इंटरवल है वो सेम रहना चाहिए। तो अगर किसी दो टूथ के बीच में इंटरवल सेम नहीं होता, ट्रांजिशन टाइमिंग जो है वो सेम नहीं होती है, तो फिर इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है मिस फायरिंग हो रही है। जनरली जब मिस फायरिंग होती है तो एक टूथ और दो दूसरे टूथ के बीच में जो इंटरवल होता है वो स्लो होता है नॉर्मल से। तो इस काम आता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। सो फाइनली एक बार हम समराइज़ करते हैं। जब ये जो ट्रिगर व्हील है, जब ये रोटेट होगा तो ऐसा कुछ साइन वेव हमें देखने को मिलेगा वोल्टेज का। अब इसके बिहाफ पे जो ईसीयू है वो डिटेक्ट करेगा कि किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में पिस्टन की पोजीशन क्या है, क्या वो टीडीसी को अप्रोच कर रहा है या बीडीसी को अप्रोच कर रहा है, और इसका जो डाटा है वो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के साथ मिलाकर ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो स्ट्रोक है वो कौन सा है। फाइनली हमें इससे इग्निशन में हेल्प मिलती है, मिस फायरिंग को डिटेक्ट करता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। सो ये था क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की वर्किंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।